हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम लोग नहा धोवा के हो गए हैं रेडी, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, सबके बच्चे भी तैयार हो गए हैं, मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, हमारे ब्लॉग पर बने रहिएगा, मिलते हैं हम लोग आपसे कुछ देर के बाद। तो यहाँ देखिए गाइस, बाबू भी रेडी हो गया है और इधर पीयू भी रेडी हो गई है। हाय बोलो इधर, हाय बोलो। अच्छा, इधर छोटा बाबू है, छोटा बाबू हाय बोलो। हाय। और ये लड़का हाय बोलो, इधर देख के बाबू हाय बोलो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और बाबू देखिए अंगूर खा रहा है, छोटा बाबू भी बैठा हुआ है, और ये मेरी देवरानी है और पीहू है, छोटा बाबू है और मेरा बेटा अभी अंगूर खा रहा है। तो अब देखिए, ऑटो जो है हम लोग का चालू हो गया और हम लोग अभी निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग आज बागचंडी जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो हम लोग का ऑटो जो है वो अभी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन से पौधे पेड़ जो है, बहुत ही हरियाली सा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो फाइनली अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और यहीं पे हम लोग को नारियल फूल प्रसाद जो भी हम लोग को लेना है हम लोग यहीं से ले लेते हैं। और यहीं से जो है हम लोग अभी यहाँ से फूल प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अभी मैं और बाबू जो है हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाबू भी मेरे साथ है। और यहाँ पे देखिए, मैं माता रानी के ऊपर जल चढ़ावा कर रही हूँ, मैं माता रानी को जल दूँगी, फिर मैं उनका नमन करती हूँ, उसके बाद फिर पूजा जो जो लगता है पूजा करने में मैं वो सब अभी करूँगी। माता रानी को मैं पहले अभी सिंदूर चढ़ाऊँगी, फिर अरवा चावल दूँगी, फूल देती हूँ, जो भी पूजा करने का तरीका होता है वो सब मैं करती हूँ। और देखिए बाबू अभी बाहर चला गया है, पीहू और छोटा बाबू वो लोग बाहर में ही थे तो वो उसी के पास चला गया है। तो यहाँ पर मैं अभी माता रानी को चुनरी दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो भी प्रसाद लेके आई हूँ वो सब मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ और जल भी मैं अर्पित करती हूँ कि भोग देने के बाद फिर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं जल अर्पित करने के बाद मैं जो नारियल लाई हूँ, क्योंकि हमारा जो नारियल बहुत अच्छा हुआ था तो उसे हमने नहीं छिलाया है, बस गोटा ही लेके आए हैं। और मैं उसे अभी सिंदूर टीका फूल जो भी रहता है वो सब मैं उसे दे के फिर माता रानी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि हमारा जो मन्नत था वो मन्नत पूरा हो गया है। तो माता रानी को अर्पित करने के बाद फिर मैं यहाँ दिया जो ला रही हूँ, दिया जलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती जलाऊंगी और माता रानी का आरती करूँगी। पता है फ्रेंड, ये मंदिर आने से ना मन में बहुत ही सुकून सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जितना जो टेंशन रहते हैं सारे टेंशन दूर हो जाते हैं और मन में। तो अब यहाँ देखिए, अभी मैं माता रानी को दिया दिखा रही हूँ, माता रानी को दिया दिखाने के बाद मैं आरती फिर दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं दिया को इसी जगह रोक दूँगी। और अगरबत्ती जो है उसे हमने ना बाहर में रखना होता है, गाड़ना होता है अगरबत्ती को। और ये मंदिर में ना बहुत ही नामी मंदिर है, यहाँ पे हर एक इंसान आता है अपना जो इच्छा लेके, और माता रानी सबकी इच्छा को पूरी करती है। जो सच्चा मन से अगर माता रानी का पूजा अर्चना करता है, उनका पूजा करता है, तो माता रानी उनकी हर एक इच्छा को पूरा करती है। और यहाँ देखिए, मेरी पूजा हो गई है, पूजा होने के बाद फिर मैं टीका लगा रही हूँ। तो चलिए, आप लोगों भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। हम लोग का पूजा हो गया है, अब हम लोग को बाहर जाना है, बाहर में अभी पूजा भी करना है, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ माथा टेकने के लिए, घंटी बजाऊँगी उसके बाद फिर मैं माथा टेकूँगी। और यहाँ देखिए कितने सारे जो है नारियल, हमने तो गच्छे हुए थे नारियल, तो जो चढ़ाया हुआ नारियल है हम लोग उसी को ले लेंगे माता रानी के आशीर्वाद समझ के। तो मैंने दो नारियल उठाए और फिर मैं अभी
चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि बाबू लोग जो है वो लोग पहले ही बाहर में थे, क्योंकि मंदिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ देखिए अभी मैं आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए। तो अब देखिए मैं अब आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए, और अब मैं इसमें जल अर्पित करूँगी। जल देने के बाद के जो भी हमारा पूजा का प्रोसेस होता है मैं वही सब करूँगी। सिंदूर चढ़ाती हूँ, चावल छींटती हूँ, फिर फूल भी चढ़ाती हूँ, और मेरे जो भी भोग होता है मैं उसे दे के भगवान जी को नमन करके फिर मैं अगरबत्ती सब दिखा के फिर माताओं से देख के फिर हम लोग चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रहा था तो बाबू लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जा रहे थे, तो वो लोग उधर साइड में बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी। मेरी देवरानी का भी पूजा हो गया था, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो वो जब पूजा कर रही थी तब मैं बाबू लोग को ध्यान दे रही थी। तो जब मेरा टाइम आया तब मेरी देवरानी जो है वो बच्चों का ध्यान रखी फिर मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ देखिए अगरबत्ती जो है मेरे जल गया है, और अभी मैं अगरबत्ती दिखाती हूँ। और पूजा वगैरह हो जाने के बाद फिर बच्चों को भी बहुत काफ़ी भूख लग रहा था, काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग 11:30 बज गए थे। तो यहाँ देखिए इक्का लग रहा था, सामने में ही होटल तो नहीं, थोड़ा सा ढाबा टाइप में ही था, तो हम लोग उसी में चले गए इडली खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे इडली, और यहाँ पे इडली ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बाबू का भी नाश्ता हो गया है और मैं भी नाश्ता कर ली, और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। बाबू को ना शर्म आती है कैमरा के सामने आने में, वो ना बहुत ज़्यादा कैमरा को फेस भी नहीं कर पाता है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। इसको देखो बाबू को क्या हुआ बेटा, बाबू को अंगूर चाहिए। तो गाइस हम लोग अभी फाइनली घर पहुंच गए हैं और बाबू को भूख लग रहा है, तो चलिए मैं उसे खाना खिलाती हूँ। तो गाइस आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अब दो चलो बाबू बाय बाय बोलो। बाय बाय।